तो चलिए देखते हैं जो अच्छी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज है। सबसे पहली न्यूज है हमारी दैट गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम जेनी है। ये जेनी का यूज करके कोई भी टेक्स्ट और इमेजेस डाल के कोई भी 2D वीडियो गेम बना सकता है। हमारी अगली न्यूज है फ्रांस से, जो कि दुनिया का पहला देश बन गया है टू लीगलाइज दी अबॉर्शन, एंड दी अबॉर्शन हैज बीन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार का इसको दर्जा मिल चुका है फ्रांस में, जो कि पहला कंट्री बन चुका है टू डू सो। कॉमेंट में आपको बताना है कि फ्रांस के पहले गे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। और नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, जहां पे बी साई प्रणीत जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन और वो एक कोच की तरह पे देखने को मिलेंगे। हमारी अगली न्यूज तेलंगाना से है, जहां के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक नई स्कीम अनाउंस की है नेम्ड एज इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम, जो कि लोगों को घर बिल्ड करने में हेल्प करेगी एक तरह से फाइनेंशियली। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, एंड दैट इज पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एविएशन रिसर्च कॉम्प्लेक्स एट हैदराबाद, जो कि हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में सिचुएटेड है। एंड द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेम्ड चक्सु, जहां पे कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट कॉल, एसएमएस या फिर किसी व्हाट्सएप या फिर किसी और सोशल मीडिया में रिसीव किया गया मैसेज को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।